नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और दोस्तों, एक नोटिस अपलोड किया गया है नेहरू युवा केंद्र संगठन की वेबसाइट पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय इसमें मल्टीपल वैकेंसी निकली हुई हैं और जो इसमें सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी वैकेंसी है वो है दोस्तों हमारी DYC यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की। अब हुआ क्या है दोस्तों, नोटिस में ये बताया गया है कि जो इसकी लास्ट डेट थी वो 7 अगस्त थी, मगर इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं डाला है तो आप डाल सकते हैं दोस्तों। अब इसकी जो डेट हो गई है वो हो गई है 17 अगस्त 2019, ठीक है, मिडनाइट तक डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी जिस वजह से लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, इसके अंदर फीस तो ज़्यादा है नो डाउट, मगर अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है तो फिर जो है आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि दोस्तों इसमें बाकी जगह से कॉम्पिटिशन कम होता है। मैंने बताया दोस्तों, क्योंकि PG जो है पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही कम लोग करते हैं। आप देखते होंगे SSC वगैरह में या फिर और भी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो सेलेक्ट होते हैं उनमें BTEC वालों का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड के होते हैं और कंपटीशन की अच्छी तैयारी भी हो जाती है उनकी, इंग्लिश और मैथ अच्छा होता है। मगर दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो MTEC भी करते हैं। तो यहाँ पर एक तो चीज़ यह है कि BTEC वाले टेक्निकल वाले लोग कम होते हैं। PG में आपको दोस्तों यहाँ पर क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। और ये जो आपकी डेट है, मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन किस डेट तक होनी चाहिए वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों मैंने फिर से ऑफिशियल नोटिस खोल दिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ पोस्टों में तो दे रखा है, जैसे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर है, इसके अंदर दोस्तों दे रखा है कि 1/1/2019 तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं और भी वीडियो लेके आऊँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पर आपको PDF समय समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जो जूनियर कंप्यूटर है इसके लिए भी आपके पास 1/1 होना चाहिए। मगर जो सबसे बड़ी बात अभी निकल के आई है वो ये है, देखिए, जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, यानी कि अब जब डेट बढ़ गई है दोस्तों इस एग्ज़ाम के फॉर्म की, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन आपके आखिरी डेट तक भी एक्वायर्ड कर लेते हैं तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि अभी हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है या रिजल्ट अभी पेंडिंग में चल रहा है, मगर दोस्तों ये काम DYC के साथ नहीं चलेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है 1/1/2019। और दोस्तों, कई लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस से घबरा देते कि हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें भी दोस्तों कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह डिज़ायरेबल है और डिज़ायरेबल में तभी पंगा पड़ता है जब दो लोगों के नंबर बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास MCA है, MTEC है, MBA है, डिप्लोमा नहीं दोस्तों, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, MA है, और सब्जेक्ट का कोई नहीं है, चाहे आपने हिस्ट्री से किया हो, ज्योग्राफी से किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और जो लोग अभी जिनका अभी मान लीजिए आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए भी एक खुशी की सूचना यह है कि अभी ये भर्तियां और भी आएंगी। अभी जैसे ये भर्ती हो रहा है, अभी ये काफ़ी बड़े पैमाने पे इसमें भर्तियां होने वाली हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्हें एक डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर बैठाना है। अब देख लीजिए भारत के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये जल्दी ही आएगी। अब आप जो है चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी कोई क्वेरी अगर आपकी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।